तोड़ने के लिए आए थे, पेपर वगैरह दिखाए थे इन लोगों ने। ये बेचारे दिखाएंगे क्या, ये तो इनको ना अनपढ़ माना जाता है। ये जो आते हैं ना बड़े बड़े प्रोफेसर लोग, ये इनको समझते हैं कि इनको कुछ नहीं आता है। अब इन्होंने हमें सारी चीजें बताई, और यहाँ पर जितने भी ये लोग बुलडेजर चला रहे हैं डीडीए वाले, इनको सबको बंद करने का काम करेंगे, इन्हें से भगाने का काम करेंगे। घरों को तोड़ने के बाद में इनको झुग्गियों में तब्दील किया जाता है, इनके पक्के घरों को झुग्गियां बना दिया जाता है। क्योंकि जैसे सरकार एक चाल चलती है ना, ये बड़ी नालायक सरकार है। ये सरकार चाहती है कि इनको यहाँ पे झुग्गी बना करके इनकी जगह को हड़प लिया जाए। भारतीय किसान युवा यूनियन से ही हमारे साथ हैं रेखा शिवालिया, तो अभी उन्हीं से जान लेते हैं। तो मैम, क्या कुछ बिंदु हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं जिससे ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? मैडम, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा नाम रेखा शिवालिया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा भारतीय किसान यूनियन बलराज की। और यहाँ पर इन गरीबों के साथ में, गरीब नहीं ये किसान हैं, इनके साथ में बहुत बड़ा उत्पीड़न किया जा रहा है। उत्पीड़न क्या है कि ये यहाँ के किसान थे, कोई 100 बीघे का किसान है, कोई 80 बीघे का किसान है, कोई 200 बीघे का किसान है। इन किसानों के साथ में क्या किया जाता है, सबसे पहले इनके पक्के घरों को तोड़ा जाता है। घरों को तोड़ने के बाद में इनको झुग्गियों में तब्दील किया जाता है, इनके पक्के घरों को झुग्गियां बना दिया जाता है। क्योंकि जैसे सरकार एक चाल चलती है ना, ये बड़ी नालायक सरकार है। ये सरकार चाहती है कि इनको यहाँ पे झुग्गी बना करके इनकी जगह को हड़प लिया जाए। क्योंकि एक सोना है जगह, यहाँ पे चाहते हैं ये लोग 50-50 मंजिल के फ्लैट बनाए। और यहाँ लोग, ये लोग जो हैं, जो डीडीए है, यहाँ पर बिल्डरों को बसाना चाहती है, इन किसानों को यहाँ से उजाड़ना चाहती है। और भारतीय किसान यूनियन बलराज यहाँ पर जब तक इनको इनका हक नहीं दिलवा देती, इनको इनकी छतें गिराई हैं, इनको मुआवजा नहीं दिलवा देती, इनके एक एक घर में से एक एक आदमी को रोजगार नहीं दिलवा देती, और इनको इनका मुआवजा नहीं दिलवा देती। हम मना नहीं कर रहे कि इनको जमीन ना लें, जमीन ले लें, लेकिन इनको इनकी जमीन का मुआवजा तो दें। तो ये पक्के मकान जो है कब तोड़े गए थे? 2009 में इनके मकान तोड़े गए थे। ये जानते नहीं थे, थोड़े सीधे भोले भाले लोग थे, इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सिस्टम किस तरीके से आगे आएगा। 2009 से अब तक ये लोग अभी किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। देखो, 100 बीघे के किसान को एक दिहाड़ी मजदूरी पे ला के छोड़ दिया जाता है। एक यहाँ पे हुकम सिंह प्रधान जी है, अब ये देखिए, हुकम सिंह प्रधान जी 400 बीघे के जमींदार थे, और आज वो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूरी में मजदूरी करते हैं। कोई मजदूरी का किसी को शौक नहीं है, मजबूरी में मजदूरी की जाती है। आज ये महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे। ये किसान परिवार से है, ये नहीं कि यहाँ पे कोई छोटी मोटी बिरादरी है। यहाँ पे ठाकुर समाज भी है, पंडित भी है, और यहाँ पे जाट लोग भी हैं, और अन्य बहुत सारी बिरादरी है, पंडित भी हैं, कुछ मुस्लिम लोग भी हैं। सरकार यहाँ पे दंगा फसाद कराने के लिए हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन ये भारतीय किसान यूनियन बलराज है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। हमारे संगठन बिरादरी, हमारा जो संगठन है वो 36 बिरादरियों का संगठन है, और हम लोग कभी भी दंगा फसाद वाली बात नहीं करते हैं। हम लोग सबको एकता और जोड़ने का काम करते हैं। भारतीय किसान यूनियन बलराज, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी यहाँ पर इनकी लड़ाई तब तक लड़ेंगे तब तक हम इनको मुआवजा नहीं दिलवा देते, और इनको इनकी लड़ाई अच्छे से लड़ते रहेंगे तब तक लड़ेंगे। आज ये धरना यहाँ पर है, ये धरना सड़क के नज़दीक जाएगा 1 तारीख में। और यहाँ पर जितने भी ये लोग बुलडेजर चला रहे हैं डीडीए वाले, इनको सबको बंद करने का काम करेंगे, इन्हें से भगाने का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग इस धरने को सड़क के किनारे लेके जाएंगे। पता तो चले कि छोटे छोटे बच्चे, जब ये औरत घर में से निकलेंगी और अपने छोटे छोटे बच्चे को गोदी में बैठा के बैठेंगी, तो पता तो चलेगा ना कि जो यहाँ से जाते हुए सचिवालय लोग जाते हैं, प्रधानमंत्री तक आवाज़ जाएगी कि भाई ये लोग क्यों बैठे हैं। अच्छा, यहाँ बैठे हैं तो प्रधानमंत्री तक कैसे आवाज़ जाएगी? जा रही है, ऐसी बात नहीं है। आप जैसे चैनल हमारी आवाज़ उठाते हैं, और हम लोग, आपका एक चैनल आवाज़ उठाएगा तो हमारे यहाँ पे 1000 मोबाइल हैं। हम लोग भी अपने मोबाइल से ट्विटर भी करते हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, और वो फेसबुक भी चलाते हैं, हर चीज़ चलाते हैं। यहाँ के बच्चे बहुत एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है इनको झुग्गी में तब्दील कर दिया गया, ये एक्टिव नहीं है, ये पढ़े लिखे भी है। और इनको हम लोग एक्टिव करने की हम लोग भी प्लानिंग करते हैं कि ये लोग एक्टिव रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ऐसी बात नहीं, आप जैसे चैनल के माध्यम से हमारी आवाज आगे तक पहुंच रही है। पक्के मकान जब तोड़े गए थे, क्या इन्हें नोटिस दिया गया था कि मकान तोड़े जाएंगे? नहीं नहीं, इनके पास ना कोई नोटिस है और आज की डेट में भी ये वर्क कर रहे हैं। जैसे दो बार यहाँ से बुलडोजरों को हम लोग भगा चुके हैं, ये यहाँ से बड़े मायूस हो जाती है महिलाएं। मैंने इनको ताकत दी, मैंने इन्हें बोला कोई जरूरत नहीं है डरने की, मैं आपके साथ हूँ, जैसे ही कोई बुलडोजर लेके आए लेट जाओ उसके सामने, कोई आपको मारेगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जेल वो जाएगा, ना कि हम जाएंगे। हाँ, यहाँ पर 1957 से ये लोग रुके हुए हैं, अंग्रेजों के ज़माने से। इन लोगों के मैंने पेपर भी देखे हैं, इन लोगों ने जैसे किस चीज़ के पेपर, जमीन के पेपर देखे हैं, इनकी फर्द भी है, सब कुछ है। हम लोग इनका सर्वे भी किया। आप लोग जब ये तोड़ने के लिए आए थे, ये पेपर वगैरह दिखाए थे इन लोगों ने? ये बेचारे दिखाएंगे कि आए तो इनको ना अनपढ़ माना जाता है। ये जो आते हैं ना बड़े बड़े प्रोफेसर लोग, ये इनको समझते हैं कि इनको कुछ नहीं आता है। अब इन्होंने हमें सारी चीजें बताई, बताने के बाद में हम जब उनसे मिले तो हमने बताया कि आप हमें वो चीज़ दिखाइए, आप घर तोड़ने किस बेस पे आते हैं? अगर आपके पास कोई अथॉरिटी लेटर है और आप घर तोड़ते हो तो आप हमें लेटर दिखाइए, हम मान जाएंगे कि आपके पास कोई लेटर है, अथॉरिटी है घर तोड़ने की, तो आप ये घर तोड़ सकते हो। अन्यथा उनके पास कोई ना लेटर है ना अथॉरिटी है। जैसे आप जैसे मीडिया जैसे वाले भाई उनके सामने अगर माइक लगाते हैं, एक DM जैसा अधिकारी यहाँ से मुंह फेर के निकल जाता है और आप जैसे लोगों को जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते। DDA वाले कहते हैं तू बता भाई, ऐसी इस तरीके की बातें करते हैं। सरकार जैसे अभी जो सत्ता में बैठी हुई सरकार, अगर आपकी आवाज़ें नहीं सुनेगी और उस पर एक्शन नहीं लेगी, फिर क्या कुछ करेंगे? अभी हमने एक लेटर पहुँचाया था मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल जी के यहाँ पर, वहाँ से एक लेटर का हमारे पास जवाब आया है। उन्होंने बताया कि हम लोग मंडलीय आयुक्त को ये आपकी जांच के लिए भेज चुके हैं और उसमें उन्होंने लिखा है कि जैसे इनके घर तोड़े गए हैं इसका मुआवजा, और जैसे इनकी खड़ी फसलों को उजाड़ा गया है उसके लिए संज्ञान में लिया है, और इनको कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जब भारतीय किसान यूनियन बलराज अगर कहीं अपना झंडा गाड़ देती है तो बुलंद तो उन्होंने मतलब आपको आश्वासन दिया है कि इनको मुआवजा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेटर हमें मिला है, कल हमें यह रिसीव हुआ है अपने राष्ट्रीय कार्यालय से, तो हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं। पढ़ने के बाद हमने इन सब लोगों को बताया है, केवल आप मजबूती रखें और मजबूती से इस धरने को चलाए रखें, और जब तक आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा हम लोग भी पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। और लेटर के माध्यम से मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी ने हमारे पास भेजा, उसका संज्ञान हमने लिया और उनको बताया भी है। चलिए अभी जो है हमने रेखा जी से ही जाना कि किस तरीके से इन गरीब मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है। इनको पहले नोटिस भी नहीं दिया जाता है और आके सीधा बुलडोजर चला दिया जाता है और इनके घर मकान तोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद ये बेचारे अपना गुजर बसर करते हैं तो उसको भी तोड़ने के लिए कवायद छेड़ दी जाती है। तो वही सब अभी रेखा जी से हमने जाना और यही जन जन की आवाज़ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। इसी जनहित आवाज़ पर आप देखते रहिए जनहित आवाज़।